Um, अच्छा अगर किसी को मॉडलिंग में आना हो तो क्या करना चाहिए क्राइटेरिया क्या है मी अंडर स्कोर मिया हार यार देखो क्राइटेरिया सबसे पहले स्टार्ट बीइंग रियलिस्टिक हर किसी को हर माँ को अपना बेटा चांद से तारा लगता है बट आपको खुद एहसास होना चाहिए आर यू कैपेबल ऑफ ऑफ बीइंग अ मॉडल वन जब आपको रियलाइज हो जाए कि हाँ ऐसा है कि आपकी इतनी सर्टन आईडी देखो मॉडलिंग बाहर आल एक अपेरेंस से रिलेटेड चीज़ है और उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको रियलिस्टिक होकर सोचना होगा कि मेल मॉडलिंग के लिए जो बुनियादी जो प्री रेकट्स हैं आप उसके ऊपर पूरा उतरते हैं कि नहीं ओके okay. सेकेंडली क्या मॉडलिंग करना चाहते हैं एडिटोरियल फोटोशूट्स एक ही बात है कैटवॉक या कमर्शल्स हर किसी की अपनी रिक्वायरमेंट है अच्छा फ़ोटोशूट कराइए पोर्टफोलियो शूट कराइए और ये सोचना छोड़ दीजिए जो कि अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि मॉडलिंग में आने के लिए आपको पता नहीं किन रस्तों से गुजरना पड़ता है और ये होता है ऐसा कुछ नहीं है अगर आप टैलेंटेड हैं तो ये फजूल की बकवास और ये एक्सक्यूज़ लोग दे रहे होते हैं जो कुछ नहीं करते ज़िंदगी में नहीं कर पाते कि हम तो इसलिए नहीं कर पाए कि हमें फ़लाने ने कोई गलत बात की थी और ये कहा था वो करने को ऐसा कुछ नहीं है अगर आप सही हैं ऐसे लोग होते होंगे लेकिन अगर आप ठीक हैं तो किसी की ज़रूरत नहीं है कि आप के बारे में कोई गलत बात करे आपको किसी गलत चीज़ के लिए अप्रोच करे आप यार आप एक अप इंसान हैं आप मना कर सकते हैं चाहे आप लड़कियाँ हों या लड़के हों से बालातर आप की मर्जी के खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता अगर आप ना चाहें तो तो अच्छा पोर्टफोलियो बनाइए अच्छी एजेंसीज हैं कास्टिंग एजेंसीज हैं आप उनसे राबा कीजिए अगर आप अच्छे हुए तो डेफिनेटली वो आपसे रब्ता करेंगी और किसको टैलेंटेड लोग नहीं चाहिए होते सीरियल क्लोज टू माई हार्ट एस समरीन आनंद ही नाम है शायद खुदा और मोहब्बत वॉज वेरी क्लोज टू माई हार्ट स्टिल वेरी क्लोज टू माई स्पेशली सीजन वन टी नाइन जीरो थ्री वन पाए ने कहा क्रीचर थ्री डी मूवी में आपको विपाशा के साथ काम करना कैसा लगा बहुत अच्छा लगा यार इज अ वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस वेरी सीजन और जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है बहुत अच्छे बड़े बड़े एक्टर्स हीरोज़ के साथ काम किया शी हर सेल्फ इज अ वेरी बिग स्टार सो आई आई लवर्किंग एंड वी एन्जॉय एवरी सिंगल मोमेंट बींग ऑन सेट एंड ऑफ द कैमरा इज वेल। ओके इन आवर ऑफ फाइव टाइम प्रेयर्स, हाउ मेनी टाइम्स यू प्रे फाइव टाइम्स डे अलहमदुल्ला सुबह फजर के वक्त भी मैं सुबह सुबह उठ के पड़ रहा होता हूँ क्योंकि उस वक्त कहते हैं कि रस्क भी बढ़ रहा होता है और उस वक्त आपको नमतें मिल रही होती हैं और आप अल्लाह से दुआ कर सकते हैं एंड स्पेशली लेट नाइट जब आप रात को लेट नमाज़ पढ़ते हैं ना तहजद या कोई ऐसा हो वो तो बहुत ही प्यारा होता है जब आप बिल्कुल अपने अल्लाह से करीब होते हैं हज़रली का कौल है कि जब मुझे मैं चाहता हूँ कि मैं अपने अल्लाह से बात करूँ तो मैं नमाज़ पढ़ता हूँ जब मैं चाहता हूँ कि वो मुझसे बात करें तो मैं कुरान की तलावत करता हूँ कोशर ज़ीरो फाइव ने सवाल मुझसे पूछा था से समथिंग अबाउट द होली लेडी सैद फ़ातम जहरा सला माई फेवेट पर्सनैलिटी माही अंडर स्कोर नाइन फाइव सिक्स हम सब कायन का हर मेरा ख़्याल है अगर शख्स जान सके इस शख्सियत की सस्ती की क्या अहमियत है और क्या तकदस है और क्या मरतबा है तो हमें आ, हम जान ही नहीं सकते इतना इनका बुलंद मरतबा है इनकी शख्सियत पंजतन पाक का महवर हैं ये आ, इन इनके वालद जन, जनाब नबी खुदा सल्हसम इनके शौहर जनाब अली मुर्तम हसन हुसैन अम की वालिदा तो इनसे ज़्यादा बलन मरतबा और किसका होगा जनाब जैनब सलाम की वालिदा ख़ातून जन्नत जन्नत के जन्त की, की मलिका और कायनात की सबसे बुलंद हस्ती मैं तो कहता हूँ कि खुवात में इनका कोई इनके मकाम का कोई मुकाबला नहीं है सो so, मेरे पास एम श्योर ऑफ वर्ड्स एक्चुअली तो इसलिए मैं शायद बात कर नहीं पा रहा हूँ लेकिन इनकी तुशान तो में आप बोलते चले जाएं बोलते चले यार वक्त आपके पास नहीं रहता Uh, Helen underscore Persian karnika, Do you know Farsi? Please speak. We love you in Iran. Thank you so much for loving me, Iran. Helen, um, How are you? Um, your education, uh, as I said before, I am an architect. I am Ali. I am Alia Bukh, Al, Ali Abu. I am Ali Abu Bakr. I am Ali Abu Bakr. Okay, Ali Abu Bakr. Uh, अलिया फ्राम इंडियाड टू मीट इमरान अब्बास वट शू वट शुड यू डू यू शुड वेट फॉर द राइट टाइम जब आप पाकिस्तान आई या मैं इंडिया आया यहाँ दुनिया के किसी कोने में फ़िल्मी इतफाक की तरह कहीं मिल गए ओके इमरान आई सी इन माई ड्रीम टू नाइट आपसे मिलने का ड्रीम है आपको मिले अलि अलिशुबा अंडर स्कोर उ थैंक यू क्या कह सकता हूँ लीना खान ने कहा वाई डू यू हेट मी हेट आई डोंट हेट एनी वन इन लाइफ हेट इज़ अ वेरी स्ट्रांग वेरी पावरफुल इमोशन एंड आई थिंक इतना इम्पोर्टेंट जिंदगी में कोई नहीं होता कि आप उसे नफरत करें और आप सॉरी सीरियसली मैं आपको नहीं जानता इसलिए मैं आपसे नफरत क्यों करूँगा यार सबसे पहली बात है आई डोंट इवन नो यू बट थैंक यू सो मच फॉर बींग माई फॉलो एंड लविंग मी एंड आई डोंट इवन डिसलाइक यू प्लीज स्टॉप थिंकिंग दिस वेदर आई हेट यू आई डोंट हेट एनी वन

और बाकी आ, हर जबान अच्छी होती है जबान का अपना मज़ा है पंजाबी का भी एक बड़ा मज़ा है पंजाबी के अंदर बड़ी डेप्थ है पंजाबी शायरी स्पेशली क्या कमाल की शायरी है सो so, फिक्स दाइट ओके जी आप अपने शहर पे क्या लगाते हैं वही वाली बात दोबारा गुलाम की शादी हो जाती है <laughs> इमरान अब्बास डॉट ऑप्सेस्ट ने कहा अल्लाह जो भी करता है अच्छा करता है आपकी शादी हो जाती तो हम लड़कियों का क्या होता हाँ <laughs> 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 सही बात है अल्लाह जो करता है बेहतरीन ही करता है टेल मी अबाउट योर वेट लॉस जर्नी माई वेट लॉस जर्नी यार इट हैपेंड ऑल ओवर सैर व्हेन ओके व्हेन आई स्टार्ट लूजिंग माय वेट डिलिबरेटली आई थिंक टू इयर्स बैक व्हेन आई वाज़ डूइंग नूरोल एंड एंड देर वॉज अ टाइम एंड आई वॉज आई स्टार्टड टेकिंग माई वेट वेरी सीरियसली उससे पहले मैं सीरियल कर रहा था मोहब्बत तुमसे नफरत है उसमें मुझे लगा सॉरी यार ये लाइट बहुत आंखों में लग रही है मतलब चेंज कर लूँ Uh, मोहब्बत तुमसे नफरत है मुझे लगा कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा आ रहा है तो so, फिर अगला सीर मुझे करना था नूरोलैंड और नूरलैंड में सजल मेरे साथ में सजल इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल वेरी पटीट एंड माशा बहुत खूबसूरत लड़की है और बहुत नाजुक सी है तो मुझे लगा कैसा ना होगा मैं सजल के अपोजिट हुआ तो मुझे अपना वेट और स्क्रीन पर ज़्यादा लगे तो आई स्टार्ट वर्किंग आउट मोर एंड स्टार्टड माई इवन मोर एंड आई बिकेम मोर केयरफुल वाइल यू नो ईटिंग कि मैं क्या खा रहा हूँ क्या नहीं खा रहा हूँ खाने से पहले सोचने लगा और बस वो सोच ऐसी मेरे दिमाग, दिमाग के अंदर फंसी के ऐसा 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 करके एंड यू व्हेन व्हेन यू स्टार्ट लूजिंग वेट इवन लाइक कुछ के भी आपका कम होता है तो आपको बड़ी मोटिवेशन मिलती है सो बाय द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट आई वॉज प्रॉब्ली सेवेंटी एट और कुछ एक दो हफ्ते बाद मेरा वेट दो तीन के जीज कम हुआ तो मैं बड़ा खुश हो गया और फिर मैंने और ज़्यादा लूज़ किया फिर बाई द टाइम यूर फिनिशिंग द प्रोजेक्ट इट वॉज सेवेंटी इसको ही ज़्यादा ही कम हो गया थोड़ा सा बढ़ जाना चाहिए और मैं बहुत ज़्यादा दुबला लगने लगा था बट हाँ दैट वॉज लूजिंग वेट डीनाज इंडो अर्थ ने मुझसे पूछा है सवाल योर फेवरेट ओ एस टी माई फेवरेट ओ एस टी फ्राम माई सीरियल खुदा और मोहब्बत एनी डे और एक दो और भी थे नूरलैंड का अच्छा था नूरबानो का बहुत अच्छा था बात कर ले मुझसे मेरे पागलपन और कोई चांद रख अच्छा मेरे बहुत सारे ओएस मेरे राहत फत खान साहब ने बहुत सारे गाए हैं तुम कौन भी आगा बहुत अच्छा था और फॉर्चुनेटली मुझे बहुत अच्छे ओएसटीज़ मिले हैं अपनी अपनी सीरियल्स में ये बात पूछी इमरान अब्बास इंडियन फैन पेज अरे यार फिर आ गए आप <laughs> विल यू मैरियन अफगान गर्ल लीना अंडरस्कोट जान वन ने कहा अंडरस्कोट जहरा खान ने पूछा आप अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल कौन सा था उस बारे में बताइए कुछ बताइए यार मैं जब सोचता हूँ मुझे एक मूवमेंट बड़ा याद आता है जब मैंने आर्किटेक्चर की डिग्री ली थी और बरवेदश्रा साहब ने वो डिग्री दी थी और सामने आ, Uh, मेरे फादर और मेरी मदर बैठे हुए थे uh, जब मैंने कॉन्वकेशन हुआ था और मैं भागता हुआ मेरी आंखों में आंसू थे और मैं भागता हुआ अपने मम्मी पापा जा के जाके गले लग गया था क्योंकि उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं आर्किटेक्ट बनूँ उनको uh, लग रहा था शायद मैं ना बन पाऊँ <laughs> तो वो तो मैंने उनका सपना पूरा किया और मुझे वो वो मोमेंट कभी नहीं भूलेगा जब मेरे फादर भी हयात थे एंड यस uh, yes.